वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एडीना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। V6 सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का अपना टॉपिक है ब्रिक्स। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है ब्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ब्रिक्स आर आर्टिफिशियल स्टोन, दोज आर यूजली मेड ऑफ क्ले। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईंट। ठीक है, यह एक आर्टिफिशियल स्टोन है जो इसको अपन किले की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, इसमें अपन बनाने के लिए क्या से बनती हैं ब्रिक्स? मिट्टी से बनती हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? यह एक सांचा रहता है ब्रिक्स का, जिसकी साइज रहती है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सांचे से अपन तैयार करते हैं ब्रिक्स को, काई मिट्टी की मदद से। ठीक है, और दीज आर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका यूज अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। दीज आर ईजिली अवेलेबल, चीप एंड लाइट वेटेड, यह बहुत ही आसानी से अपन को अवेलेबल हो जाती हैं, ये काफ़ी सस्ती होती हैं एंड वजन में काफ़ी लाइट वेटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दे कैन बी मोल्ड इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप एंड साइज में अपन मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें कि दीज आर वन ऑफ द बेसिक मटेरियल यूज फॉर वॉल कंस्ट्रक्शन, यह वन ऑफ द बेसिक मटेरियल है वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए, दीवार बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसका नाम है ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा थर्ड क्लास ब्रिक और चौथा झामा ब्रिक्स, या उसको फोर्थ क्लास ब्रिक्स भी बोलते हैं और इसमें ओवरबंड ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब याद रहे, ठीक है, देखिए झामा ब्रिक्स की अलग अलग स्पेलिंग है, किसी ब्रिक्स किसी बुक्स में ZHAMA झामा है, किसी में GHAMA झामा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है? दीज ब्रिक्स आर ऑफ प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज विथ शार्प एजेस। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं उनका शेप प्रॉपर रेक्टेंगुलर, प्रॉपर आयताकार होता है, एंड जो उसकी एजेस रहती हैं वो कैसी रहती है? एकदम शार्प रहती हैं, नुकीली एजेस रहती हैं। ठीक है, दीज ब्रिक्स आर वेल ब्रंट, ये अच्छी तरह पकी हुई होती हैं एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स, इन पे कोई भी क्रैक्स और डिफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि दीज ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। फर्स्ट क्लास ब्रिक अपने वेट के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में 20% से ज़्यादा वेट ऑफ ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, दिस शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। यदि अपन किसी फर्स्ट क्लास ब्रिक को ये सभी प्रॉपर्टीज हैं इसकी 1 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे अपन छोड़ते हैं तो वो टुकड़े उसमें नहीं टूटती है, कोई भी क्रैक्स और डिफेक्ट उसमें नहीं आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यदि दे प्रोड्यूस वेल मेटालिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर, यदि दो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को अपन आपस में टकराते हैं तो मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसकी जो साइज रहती है वो एग्जैक्ट 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर होती है, इसका जो कलर होता है वो डीप रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात, इसका यूज़ क्या होता है मेसनरी वर्क में या फ्लोरिंग में, फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मेसनरी वर्क में जैसे जो अपन दीवार बनाते हैं ईंट से ईंट को जोड़ के वो मेसनरी कहलाती है, फ्लोरिंग मतलब जो फर्श बनाते हैं उसमें, या फेस वर्क मतलब जो फ्रंट पोर्शन रहता है ब्रिक बिल्डिंग का उसमें अपन यूज़ करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक का। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक क्या कहलाती है? देखिए, दीज ब्रिक्स आर इररेगुलर इन शेप एंड साइज विथ स्पॉट ऑन द सरफेस। सेकेंड क्लास ब्रिक्स में इसका जो शेप एंड साइज रहता है वो इररेगुलर रहता है, थोड़ा सा प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं रहता, हल्का सा इररेगुलर शेप रहता है एंड साइज भी प्रॉपर नहीं होती, थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है विथ स्पॉट ऑन द सरफेस, और इसके जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे आपको स्पॉट मिलते हैं। जो भी ब्रिक्स आपके मकान में यूज़ हुई होगी या कोई भी बिल्डिंग में नॉर्मली जो यूज़ होती है वो सेकेंड क्लास ब्रिक्स की यूज़ होती है। इसकी जो क्वालिटीज़ रहती हैं, दीज हैव क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सेम एज
दोज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो इसकी क्वालिटीज रहती हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की, ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक्स की। एंड इसमें दे मे हैव फाइन हेयर क्रैक, सेकंड क्लास ब्रिक्स में बाल जितने पतले हल्के हल्के से क्रैक्स रहते हैं जो अपन को दिखते हैं, ठीक है, और ये इतनी हार्ड नहीं होती जितनी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन यूज़, है ना, तो इसका अपन यूज़ करते हैं, दे ब्रिक्स आर इन इंटीरियर वॉल, दीज ब्रिक्स, है ना, इनका यूज़ अपन करते हैं इंटीरियर वॉल में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होती है, सेम दीज ब्रिक्स विच आर अंडर वर्न्ड, ये हल्की सी जली हुई होती हैं अपन इनको बोल सकते हैं, एंड आर नॉट यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज, एंड इनका प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप एंड साइज नहीं होता है, इनको अपन थर्ड क्लास ब्रिक्स बोलते हैं। इसकी जो अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज़, है ना, तो दीज आर सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, एंड लाइट इन कलर, और ये जो इनका कलर होता है वो एकदम से लाइट कलर होता है, एकदम डीप रेड डार्क नहीं होता। नेक्स्ट बात करें तो दीज आर कॉल्ड आमा ब्रिक्स, इसको अपन आमा ब्रिक्स भी बोलते हैं, ए एम ए आमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दे प्रोड्यूस आर डल साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर, यदि किन्हीं दो थर्ड क्लास ब्रिक्स को लेकर आपस में टकराते हैं तो इसमें अपन को डल साउंड मतलब भद्दा साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक को टकराते हैं तो मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और थर्ड क्लास ब्रिक को टकराते हैं तो डल साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका यूज़ है टेम्परेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या स्कैफोल्डिंग, अगर अपन बात करें जैसे कहीं भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना हो तो अपन इसका यूज़ कर लेते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स और फोर्थ क्लास ब्रिक्स का। जैसे अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर जो लेबर वर्क काम करते हैं वो बरसाती डाल के छोटा सा अपना और कुछ दिन के लिए मकान बना लेते हैं, तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और जैसे काम ख़त्म होता है कंस्ट्रक्शन का तो उसको तोड़ के वो चले जाते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं अपन थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ब्रिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ क्लास ब्रिक्स, जिसको अपन ओवरवर्न्ड ब्रिक्स और झामा ब्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। झामा की स्पेलिंग में आप याद रखना, किसी बुक में जेड एच एम ए झामा लिखा रहता है, किसी में जे एच ए एम ए झामा, ठीक है, तो ये फोर्थ क्लास ब्रिक्स कहलाते हैं जिसको झामा ब्रिक्स अपन बोलते हैं, ठीक है। तो दीज ब्रिक्स आर ऑफ डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज, है ना, एंड दीज आर ओवरवर्न्ड ब्रिक्स, जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती है झामा ब्रिक्स होती है, यह ओवरवर्न्ड बहुत ज़्यादा जली हुई होती है, एंड इसका इररेगुलर शेप एंड साइज रहता है, बेडोलाकार का डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज रहता है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसकी अपन बात करें तो यह ओवरवर्न्ड ब्रिक्स होती है ना, दे सेल बी डार्क इन कलर, इसका कलर है वो एकदम काला पड़ जाता है, डार्क हो जाता है ना, और दे अगर इनको स्ट्रक विथ ईच अदर दे प्रोड्यूस डल साउंड, इसमें भी अपन को भद्दा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यूजेस, सो इसका जो यूज़ करते हैं अपन, दे आर यूज्ड एज एग्रीगेट एंड एज रोड मेटल, इसके यूज अपन एज या तो एज एग्रीगेट यूज़ करते हैं या फिर अपन रोड मेटल वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं, ओके डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, तो अच्छे से आप पढ़ लेना, ये नोट्स भी हमने सॉफ्ट में प्रोवाइड किए हैं, आपको फिर से कर देंगे आप, ओके डन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।